क्या होता अगर डीमन स्लेयर के अंदर डोमा कभी शिनोबू को नहीं खाता? क्या डोमा के शिनोबू को ना खाने की वजह से स्टोरी लाइन में कोई चेंज आता, या फिर डोमा को फिर से इनोसुके और कनाओ हरा देते? डीमन स्लेयर की पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अगर सारे के सारे अपर मून्स हशिरा होते तो उनकी स्टोरी क्या होती और उनके ब्रीदिंग स्टाइल्स क्या होते। उस वीडियो को चेक करना मत भूलना, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने डोमा की स्टोरी बताई है कि अगर डोमा एक हशिरा होता तो उसकी लाइफ कैसी होती और वो दूसरे डीमन से कैसे मिलता। बट सबसे पहले कि क्या डोमा के शिनोबू को ना खाने की वैसे स्टोरी लाइन पे कुछ असर पड़ता, जिसका आंसर है ऑब्वियसली यस। और तो मानो ना मानो डोमा हम सब का काइंड ऑफ एक फेवरेट कैरेक्टर है डेमन स्लेयर के अंदर, जहां हम सब अंदर ही अंदर से नफरत करते हैं बट एक अलग से क्रेजीनेस उसके लिए उठती है दिल में, क्योंकि डोमा जितना क्रेजी और साइकोटिक कैरेक्टर पूरी सीरीज के अंदर नहीं है। और डोमा की हार का मेन रीजन भी यही था कि उसने घमंड में आकर शिनोबू को खा लिया था, जिसकी वजह से उसने अपनी खुद की हार लिख दी थी। बट अगर शिनोबू को वो नहीं खाता तो स्टोरी में क्या होता आगे? तो स्टोरी वही नॉर्मल पेस पकड़ती, जहां डोमा ने शिनोबू को मारा बट इस बार खाया नहीं, जिसके बाद इनोसुके और कनाओ दोनों के दोनों आते और वही जुनून और शक्ति के साथ डोमा से लड़ते, जहां इनोसुके बहुत फियरलेसली डोमा से लड़ता है, जो बैटल बहुत ज्यादा अतरंगी और घमासान होने वाली है। डोमा दोनों के साथ सिर्फ खेल ही रहा होता उस बैटल के अंदर, क्योंकि डोमा बिल्कुल भी वीक नहीं हुआ। जहां रियल टाइम वाली बैटल में हमने देखा था कि कैसे इनोसुके को अपना डीमन स्लेयर मार्क नहीं जगाना पड़ा था, ना ही कनाओ को, बट इस बैटल के अंदर दोनों इस लेवल तक थक जाएंगे कि इवेंचुअली उन दोनों को डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये दोनों के दोनों अपने मैक्स पावर पर डोमा से लड़ेंगे, जहां इस बैटल का मजा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम लॉर्ड इनोसुके को अपने पीक पर देखोगे, जहां हमें इनोसुके की वही सैड बैक स्टोरी पता लगेगी कि कैसे डोमा की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी और कैसे इनोसुके हमारा अनाथ हुआ था। इस बैक स्टोरी के बाद हमें लगेगा कि शायद इनोसुके और कनाओ डोमा को हरा देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। डोमा जिस पावर लेवल पे है वो कोकुशिबो के काइंड ऑफ ऊपर नीचे है, 19-20 का फर्क है। इसका मतलब है कि शायद डोमा इनोसुके और कनाओ को ना मारे पर वो दोनों को ऑलमोस्ट अधमरा छोड़कर वहां से निकल जाएगा। इसके बाद चालू होगा मेन मजा, क्योंकि डोमा जब यहां से निकलेगा तो वो ढूंढेगा कि दूसरे हशिरास कहाँ है, उसे खेलने के लिए मजा चाहिए। हम मुजान उसको बोलेगा कि जाके कोकुशिबो की मदद करो, वो पागल पता नहीं क्यों हशिरास के साथ खेल रहा और टाइम वेस्ट कर रहा है। जहां डोमा तुरंत ही कोकुशिबो के पास जाएगा और उसकी मदद करने लगेगा। जहां अगर तुम लोग सोचते हो कि डोमा और कोकुशिबो अगर एक साइड में हो और सारे हशिरास अपोजिट और वो लोग इन्हें हरा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना ये बैटल काफी इनलॉजिकल है, क्योंकि कोकुशिबो कभी डोमा से मदद लेगा नहीं, क्योंकि उसकी प्राइड की बात है। बट डोमा बीइंग डोमा कोकुशिबो की मदद करेगा। जो बैटल वन साइडेड होने वाली है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। आई डोंट थिंक सो इस बैटल के अंदर जो लड़े थे उनमें से कोई अब बचने वाला है, क्योंकि पुरानी टाइमलाइन के अंदर सिर्फ म्यूचिरो और सानमी के छोटे भाई की डेथ हुई थी, बट आई डोंट थिंक सो इस बैटल के अंदर सानमी और ग्यू में दोनों में से कोई बचने वाला है। जिसके बाद बट ऑब्वियस बैटल कभी मुजान तक पहुंचेगी नहीं। कोकुशिबो और डोमा दोनों के दोनों अकेले सारे हशिरास और डीमन स्लेयर कॉप को अकेले ही हरा देंगे। बट हेयर इज द ट्विस्ट। अब यहाँ से दो ऑप्शन हो सकते हैं कि इस बैटल के बाद मुजान नेजुको को खा ले, सन को कॉन्कर कर ले और स्टोरी खत्म। बट दूसरा कि हम जानते हैं कि कैसे डोमा बहुत ज्यादा कमीना है, तो वो नेजुको को मुजान तक पहुंचने से पहले ही खा लेगा, जिसकी वजह से वो मुजान के कर्स को ब्रेक कर देगा, साथ ही साथ वो सन को भी कॉन्कर कर लेगा। और इस स्टोरी लाइन के अंदर तुम्हें क्या लगता है कि डोमा ये करने के बाद बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। डोमा कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, मुजान से ज्यादा पावरफुल वो नहीं होने वाला कभी भी। तो सन को कॉन्कर करने के बाद भी वो मुजान को बहुत अच्छी फाइट देगा, वो मुजान से अपनी 100% पावर पे लड़ने वाला है। जहां ये बैटल भी मुजान तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगी, जहां कोकुशिबो बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून डोमा को हरा कर डोमा को एब्जॉर्ब करेगा और अपना ब्लड मुजान को भी देगा, जिसके बाद इस टाइमलाइन के अंदर मुजान के साथ साथ कोकुशिबो दोनों के दोनों सन को कॉन्कर कर लेंगे और ये दुनिया का खात्मा पक्का है, दुनिया का कोई कमबैक नहीं है। अगर तुम्हें भी ये वाली स्टोरी लाइन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे व्हाट इफ वीडियोस पूछो, अपने वो आइडियाज बताओ जो तुम चाहते हो कि ऐसे स्टोरीज में कन्वर्ट हो। अच्छे एनिमे कॉन्टेंट और क्रेजी एनिमे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो, बाकी मेरी दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर